देखिए, लगभग हर एक बच्चा चाहता है कि उसकी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए, टॉप करे, अच्छे से पास हो जाए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। जो लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, सही से तैयारी करते हैं, वो इजीली स्कोर कर लेते हैं। जिस बच्चे ने ओवरऑल सिलेबस ख़त्म किया है, सारी बुक्स पढ़ी हैं, वो अच्छा स्कोर डेफिनेटली लाने वाला है। लेकिन उस बच्चे का क्या जिसने तैयारी नहीं की, जिसने बुक्स नहीं पढ़ी? अब बिना बुक पढ़े भी क्या आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं? क्या आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं? आज की वीडियो में दो स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। अगर आप दो चीज़ों को कर लेते हो तो आप इजीली बिना बुक पढ़े भी पास हो सकते हो, वो भी अच्छे नंबरों से। तो इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट जरूर देख लेना ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर आउट हो जाए। पॉइंट नंबर वन, इग्नू की असाइनमेंट। देखिए, असाइनमेंट हर एक बच्चा लगभग करता ही है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो असाइनमेंट को नहीं लिखता होगा, बिकॉज यहाँ पे असाइनमेंट आपके कंपलसरी होते हैं सबमिट करना। 30% वेटेज आपके रिजल्ट में असाइनमेंट की होती है, तो ये तो मोस्ट है कि आपको करनी है और किए भी होंगे आपने। अगर आपने ये किए हैं तो लगभग आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज असाइनमेंट की बात करूँ डियर तो आपकी लगभग 60% वेटेज असाइनमेंट की होती है। एग्जामिनेशन में आपके जो असाइनमेंट हैं वहीं से 60% के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थोड़ी बहुत टाइप को रिफॉर्म करके, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने के बाद में वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर ईजिली क्रिएट कर लोगे, आप ईजिली पास हो जाओगे। तो असाइनमेंट तो मोस्ट है कि करके जाने हैं। पहले नंबर पे आपको असाइनमेंट कर लेने हैं, जो कि आप लोग एक लेटेस्ट वाले करोगे ही, जो आपको सबमिट करने हैं उससे एक प्रीवियस वाला या फिर उसके लेटेस्ट वाले जो आया हुआ है वो कर सकते हैं। इन दो में से आप कोई से भी कर सकते हैं, या तो प्रीवियस वाला कर लो और ये एक लेटेस्ट वाला कर लो, और एक आपने करंट सेशन का किया ही होगा, तो दो आपकी असाइनमेंट हो जाएंगे जो आपको एक अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद में डियर आप सभी को करने हैं पॉइंट नंबर टू पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज असाइनमेंट आपकी 30% वेटेज रिजल्ट में कवर करते हैं। उसके अलावा अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो 40-60% वेटेज आपकी उसमें रहती है। लगभग वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 40-60% असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। उसके अलावा डियर बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर आपको इग्नू की वेबसाइट पे सभी मिल जाएंगे लगभग, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिसंबर 2020 वाली जो एग्ज़ाम फरवरी 2021 में लास्ट इग्नू के एग्ज़ाम हुए उसके भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जून 2020 के एग्ज़ाम जो कि सितंबर में कंडक्ट किए गए थे लास्ट ईयर, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। अगर आप इनमें से दो ईयर के एग्जामिनेशन कर लेते हो, काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाली है आपकी, बिकॉज दो पेपर आप यहाँ से कर लो, दो असाइनमेंट के कर लो, आपकी तैयारी अपने आप ही बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाली है। आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये भी कर लेते हो आप ईजिली पास हो जाओगे और एक अच्छे नंबरों के साथ में पास होगे। तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दो, पसंद आई है तो। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में, साथ ही इंस्टा पर DM कर सकते हैं और कॉल मी फोर ऐप के जरिए कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।